is aluminium nitrate. The aluminium has 3 positive and nitrate has 1 negative. So the formula will be AlNO3 whole thrice. Next is write down hydrogen chloride. हाइड्रोजन क्लोराइड देखो बेटे, जब टीचर हाइड्रोजन क्लोराइड बोल रही है, ठीक, मींस हाइड्रोजन की वैलेंसी एच पॉजिटिव है. लिसन टू मी केयरफुली. जब हम हाइड्रोजन क्लोराइड बोल रहे हैं, इसका मतलब हाइड्रोजन की वैलेंसी एच पॉजिटिव है. Got it? Means hydrogen इस टाइम अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है. हालांकि हाइड्रोजन क्लोराइड में ये कम्प्लीटली लूज नहीं करता. यू विल डू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट इन द हाईएस्ट स्टैंडर्ड. और इसके ऊपर पॉजिटिव वन चार्ज किस लिए आता है, ये कोवलेंट बॉन्ड है. आई विल टेल यू दैट टाइम ओनली. ठीक है, मीन्स ये एच पॉजिटिव है, सी एल नेगेटिव है, द फॉर्मूला विल बी एच सी एल. अगर मैं बोलती हूँ सोडियम हाइड्राइड, राइट डाउन सोडियम हाइड्राइड. जब हम बोलते हैं हाइड्राइड, इस टाइम हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है -1 है. ओके, सोडियम हाइड्राइड. जब अकेला हाइड्रोजन बोला जाता है देन वैलेंसी इज +1. तभी मैंने बोला था कि हाइड्रोजन को प्लेस नहीं मिली पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है. तो जब उससे ज्यादा पावरफुल कोई आ जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन खींचता है और उसकी वैलेंसी पॉजिटिव होती है. ठीक, जब उससे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है. अब सोडियम मेटल है, वो लूज करेगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन. तब हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्राइड. और इसको बोलोगे सोडियम हाइड्राइड. तब हाइड्रोजन पीछे आएगा क्योंकि ये नेगेटिव बन गया. ठीक, सोडियम हाइड्राइड. अगेन राइट डाउन हाइड्रोजन सल्फाइड. हाइड्रोजन सल्फाइड, राइट डाउन द फॉर्मूला हाइड्रोजन सल्फाइड. हाइड्रोजन सल्फाइड दैट इज H2S. This is a gas, hydrogen sulfide, H2S. Write down carbon tetrachloride. Carbon tetrachloride. See, बेटे, carbon has valency of 4. Remember, carbon has valency of 4. It can be positive 4 or negative 4, depending on the element which is attached. Now, chlorine is higher electronegative. Now it is a positive 4. अगर ये मैं बोलू मिथेन, तब ये negative 4 है. ठीक है, तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड. दिस इज कार्बन विच इज हैविंग नाउ यर नेगेटिव, इट इज अ पॉजिटिव एंड सी एल इज 1 नेगेटिव. तो इट इज सी सी एल 4 कार्बन टेट्राक्लोराइड. ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड. एक लिखो मिथेन भी, इसको मिथेन ही याद करते हो. राइट डाउन मिथेन. मिथेन होता है CH4. मिथेन इज CH4. अच्छा, वन कंसेप्ट इज एटॉमिसिटी. ठीक है, इसके बाद मैंने मोलर मास स्टार्ट करवाना है, ऐसे आपने फॉर्मूले बनाने हैं. ठीक है, आपको वन कंसेप्ट इज बेटे एटॉमिसिटी. एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं. ठीक है, एटॉमिसिटी 1 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आ जाता है. कोई भी मॉलिक्यूल पूछा जाएगा आपसे व्हाट इज एटॉमिसिटी, तो क्या पूछना है पहले, तो वो तो आपको पता होना चाहिए. सो जैसे अगर मैं नोबल गैसेस की बात करती हूँ, नोबल गैसेस, व्हाई दे आर नोबल, दे डोंट वांट टू रिएक्ट विद एनीवन.
they are well satisfied with the electrons they are having. That is why they are noble. Noble में क्या जाते हैं? Helium, ठीक है, neon, argon, krypton, xenon, radon, ये सारी noble gases हैं, ठीक है? ये किसी के साथ react नहीं करती. तो ये सारी gases होती हैं monoatomic. इनकी atomicity क्या होगी? One. क्या होगी? One. They are monoatomic. मतलब देखो, एक होता है एटम. एटम सिंगली एग्जिस्ट कर भी सकता और नहीं भी. जैसे कि एटम इन गैसेस का सिंगली एग्जिस्ट करता है. अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो मैंने कभी नहीं सुना अकेला एच. एच एक एलिमेंट का सिंबल है, मगर हाइड्रोजन इस एनवायरनमेंट में, सृष्टि में एग्जिस्ट करती है एच टू की फॉर्म में. कभी भी अकेली एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है? ये जब H2, जब दो एटम्स जुड़ जाते हैं आपस में, तो इन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहना शुरू कर देते हैं. क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल एक ऐसी स्पीशीज है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकती है. एटम, देखो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ठीक है? ये तो छोटे पार्टिकल है, वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते. हम ये नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन यहां पड़ा है, ऐसा नहीं है. पहले एटम होगा, एटम के पास ही इलेक्ट्रॉन होगा. तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है. अगर उससे उससे थोड़ा सा बड़ा, मतलब वैसे छोटा पार्टिकल माना जाए तो एटम है. अब एटम जो है अकेला रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता. अकेला किन कंडीशन में रह सकता है? या तो वो नोबल बन जाए, रॉयल फैमिली को बिलोंग करे. रॉयल पर्सन कम बात करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, तो ये रॉयल है, नोबल है, ठीक है? तो ये मोनोएटॉमिक है, ठीक. जो नोबल नहीं है, जो बाकी है, वो जरूरी नहीं है अकेले रहें, वो किसी किसी ना साथ लगे होते हैं, ठीक है? जब एक एटम दूसरे एटम के साथ लग जाता है तो वो मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है? हाँ, जैसे कि हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है, वो अकेला रह सकता है, एच अकेला नहीं रह सकता. हाइड्रोजन एटम अकेला नहीं रह सकता. तो हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी क्या जाती है? टू. तो ये क्या होता है बेटे? डाई अटोमिक. टू होगी ना, डाई अटोमिक. जैसे ऑक्सीजन की पूछी जाए, ओ टू, दैट इज ऑल्सो डाई अटोमिक. एफ टू, सी एल टू, बी आर टू, आई टू, जितने भी हैं ये दो दो एग्जिस्ट करते हैं, ये सारे क्या हो जाएंगे? डाई अटोमिक. समझ आ रही है? वैसे अगर मैं फॉस्फोरस की बात करूं, देखो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के नीचे ही फॉस्फोरस पड़ा है. एन सिंबल है, पी सिंबल है, मगर एन एग्जिस्ट कैसे करता है? एन टू की फॉर्म में. दैट इज व्हाई एन टू इज डाई अटोमिक, ठीक है? फॉस्फोरस दुनिया में कैसे एग्जिस्ट करता है? पी फोर की फॉर्म में, दैट इज टेट्रा अटोमिक फोर, ठीक है? दैट इज टेट्रा अटोमिक, ट्राई अटोमिक. ओजोन, जैसे ऑक्सीजन ओ थ्री की फॉर्म में जब एग्जिस्ट करता है, दैट इज ओजोन, ठीक है? द मॉलिक्यूल विच इज ओ थ्री, दैट इज ट्राई अटोमिक. जब ओ अकेला आता है उसे नेसेंट ऑक्सीजन कहा जाता है. वो रिएक्शन के अंदर ही बनती है. हाँ, एच टू ही है. अगर अकेला एच बनेगा उसे नेसेंट हाइड्रोजन बोलोगे आप. बड़ी क्लासेस में इसको बोलना शुरू करोगे, नेसेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. ऐसे बनाते हो आप इसके राउंड, ऐसे ब्रैकेट. ये नेसेंट का मतलब है इतनी रिएक्टिव है कि ये किसी को भी ऑक्सीडाइज कर देगी जाके. अकेली एग्जिस्ट नहीं करेगी ये इन सीटू. जब हम इन सीटू की बात करते हैं, इन सीटू का मतलब होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन. जब टर्म यूज करोगे बेटे, दिस टर्म विल नॉट बी टोल्ड इन हायर स्टैंडर्ड अगेन एंड अगेन. ओके, जब क्लास में बोलते हैं, केमिस्ट्री बोल रहे तब लिख लिया करो फटाफट, ठीक है? इन सीटू का मतलब होता है रिएक्शन के दौरान. ये नहीं ऐसे मिले. ओ टू डायटोमिक है, ओटी ट्राइएटॉमिक. ओजोन, ओजोन आपकी ऊपर एटमॉस्फेयर में ओजोन की लेयर है.
है ना, जो आपको यूवी रेडिएशन से बचाती है। तो ये एक ऐसा अम्ब्रेला है जो भगवान ने बनाया कि सन अकेला लाइट रेडिएशन नहीं दे रहा, इट इज गिविंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच कंसिस्ट ऑफ यूवी, आईआर, गामा, एक्सरे, सारी रेडिएशन आ रही है उसमें से। जो हमें विजिबल हो रही है वो सिर्फ लाइट हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी रेडिएशन नहीं आ रही, बाकी भी आती है। दैट इज वाई आपकी रेडियो वेव्स हैं, ठीक है, रेडियो चलते हैं आपके, माइक्रोवेव चलते हैं, माइक्रोवेव्स हैं, एक्सरेज मशीन हैं, ये सारी जो रेडिएशन है। तो सन एक ऐसा सोर्स ऑफ लाइट है जिससे हर तरह की फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन आती है। अब यूवी रेडिएशन हमारे लिए बहुत हार्मफुल थी, हार्मफुल है भी, तो इसको हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे जो ऊपर एटमोसफियर में ओजोन की लेयर है, मगर अब ओजोन की लेयर डिप्लीट होती जा रही है बिकॉज ऑफ अस ओनली, बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ये जो जेट प्लेन जाते हैं, एरोप्लेन हैं, या आप रेफ्रिजरेटर्स यूज करते हो, या एसीज हैं, इनमें सीएफसी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन को डिप्लीट करते जा रहे हैं। तो आप ये समझो एक ऐसा छाता जिसमें होल्स हो, तो क्या बारिश से बचाएगा? तो आप एक ऐसे छाते में हो जिसने आपको यूवी रेडिएशन से अब नहीं बचाना। दैट इज वाई नाउडेज इतनी क्रीम्स आ रही हैं, ये एसपीएफ 15 लगा लो जी, 21 लगा लो जी, पहले तो खुद ही होल्स कर लिए यूवी रेडिएशन आ रही है अब, इसलिए ये कह रहे हैं कि ये क्रीम्स लगाओ, क्योंकि हमने खुद ही अपनी एनवायरनमेंट बर्बाद कर दिया। हम पटाखे बहुत अच्छे से बर्न करते हैं, बनती है ओजोन बेटे रीबिल्ट ऑक्सीजन से ही होती है। ओजोन रीबिल्ट अपने आप बनती है, अपने आप टूटती है, ठीक है। अगर आप पोल्यूशन कम कर दोगे अपने आप बन जाएगी, इसको बनाना नहीं पड़ेगा, ये अपर एटमॉस्फेयर में अपने आप बनती है। जैसे जैसे पोल्यूशन रिड्यूस होगा ये अपने आप बन जाएगी, ये आप हाँ। चलो नेक्स्ट इज सल्फर। सल्फर लाइक सल्फर एग्जिस्ट एज ऑक्टा एटॉमिक, क्या बेटे? इन सीटू को होता है जब कोई रिएक्शन चल रही हो उसी टाइम कोई चीज बन रही है थोड़े दिन टाइम के लिए। वेरी गुड, कीप ऑन। तो बेटे नेक्स्ट इज सल्फर। सल्फर एक सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज H8। देखो ऑक्सीजन के नीचे ही सल्फर है, ऑक्सीजन जहां पे एक डाई अटोमिक गैस है O2, O2 इज अ डाई अटोमिक गैस, सल्फर इज ऑक्टा अटोमिक सॉलिड, ठीक। सल्फर इज ऑक्टा अटोमिक सॉलिड। तो आपकी बुक्स में पॉलीएटॉमिक लिखा गया है, तो पॉलीएटॉमिक में लिख लो कितने एटम्स होते हैं, दैट इज 8, दैट इज ऑक्टा एटॉमिक। नहीं बेटे हमेशा 8 नहीं होते। लाइक बेटे ऐसे आया है इन द सेम वे, किसी कंपाउंड में भी आपको एटम पूछे जा सकते हैं। जैसे कि एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि KMnO4 में कितने हैं पोटेशियम पर मैग्नेट में, तो टोटल कितने हो जाएंगे, देयर विल बी 6। सो देयर इज K, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटे, दिस इज
पोटेशियम पर मैग्नेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पोटेशियम पर मैग्नेट हैविंग वन पोटेशियम वन मैग्नीज फोर ऑक्सीजन. वेरी गुड प्रभजोत, कीप इट अप. के मैग्नीज ओ फोर. नाउ नेक्स्ट इज के टू सी आर टू ओ सेवन. राइट डाउन पोटेशियम डाइक्रोमेट. पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट. पोटेशियम पर मैग्नेट इज मेड अप ऑफ टू रेडिकल, वन इज के पॉजिटिव, वन इज MnO4 माइनस वन, दैट इज पर मैग्नेट. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पोटेशियम. पोटेशियम लिख लेना आप, पर मैग्नेट. दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट. एंड कितने एटम्स हैं यू कैन काउंट योर सेल्फ. ऑक्सीजन के फोर, वन मैग्नीज का, वन पोटेशियम का, तो टोटल विल बी सिक्स. हियर सेवन ऑक्सीजन के, टू क्रोमियम के, टू पोटेशियम के, सेवन प्लस टू प्लस टू, दैट इज इलेवन. सो इसकी एटोमिसिटी क्या हो जाएगी, इलेवन. इसकी एटोमिसिटी क्या हो जाएगी, सिक्स. ठीक है, एटोमिसिटी किसी मॉलिक्यूल की होती है. मॉलिक्यूल सेम एटम्स का भी बना हो सकता है, डिफरेंट एटम्स का भी बना होता है. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है जो O2 है, सल्फर मॉलिक्यूल है जो S8 है. पोटेशियम डाइक्रोमेट का अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूं तो उसमें पोटेशियम भी है, क्रोमियम भी है और ऑक्सीजन भी है. तो पोटेशियम के कितने एटम्स हैं, टू. क्रोमियम के कितने हैं, टू. ऑक्सीजन के कितने हैं, सेवन. तो टोटल इज सेवन प्लस टू, दैट इज इलेवन. ठीक है, ये अकेला इकट्ठा एक रेडिकल है, मगर ये डिफरेंट एटम्स हैं. अगर आप सल्फेट लिखते हो SO4, तो वो सल्फर ऑक्सीजन दो तरह के एटम्स का बना हुआ है, जिसमें फोर ऑक्सीजन है और वन सल्फर है. समझ आ रही है. एटम्स एटॉमिसिटी लिंक वर्ड है एटम से. एटम आपने इंडिविजुअली काउंट करने होते हैं. समझ आ गई अब. जैसे कि अगर मैं लिख दूं सोडियम सल्फेट, ये देखो आई एम राइटिंग सोडियम सल्फेट, तो इसमें कितने एटम होंगे, टू सोडियम के, वन सल्फर का, फोर ऑक्सीजन के, तो टोटल विल बी सेवन. द एटॉमिसिटी ऑफ सोडियम सल्फेट विल बी सेवन. व्हाट द पॉइंट. टीचर जरूरी नहीं है कि आपकी बुक्स में फॉस्फोरस गिवन है या सल्फर गिवन है, इनकी एटॉमिसिटी ही पूछें. आपने इतने सारे मॉलिक्यूल स्टडी कर लिए, उन मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स हैं, हम जो मर्जी पूछ सकते हैं आपसे. समझ आ गई. अच्छा, उसके बाद आ जाओ बेटे मोलर मास. मोलर मास देखो, हमने जब टेबल बनाया था, टेबल में हमने एलिमेंट्स के नेम लिखे थे, उनके सिंबल, उनका हमने मास नंबर, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर लिखा था. इफ यू रिमेंबर जस्ट फाइंड आउट द टेबल. देखो एक नोटबुक लगाया करो, कॉन्टिन्यूशन में वही पढ़ा करो. और केमिस्ट्री की नोटबुक आपने कंप्लीट करके देनी है, जिसमें मैंने आपको दो टेबल बोले हुए. कल तक आपका मोलर मास याद होने चाहिए, जो आपकी बुक में भी. अदरवाइज मोल कंसेप्ट आपके लिए बहुत हार्ड होने वाला है. मोल कंसेप्ट इज टू मच डिफिकल्ट. अगर आपको सबसे पहले आपको बेटे बैलेंसेस आनी चाहिए कि आप फॉर्मूला बना सकें. जब आपको फॉर्मूला मेकिंग आ जाता है, फिर उसके बाद आपको मोलर मास निकालना आना चाहिए.
जिनको मोलर मास नहीं निकालना आएगा वो मोल कंसेप्ट का न्यूमेरिकल एक भी नहीं कर पाएंगे। तो चाहे आप क्रैम करो, जो मर्जी करो, टेबल करवाया था वैलेंसीज वाला याद कर लो, मोलर मास का टेबल याद कर लो, ये करना ही पड़ेगा बाय हुक और क्रुक। अदरवाइज आपसे एग्जाम में देखो गिने चुने बेटे, इसमें अगर 50 मार्क्स का एग्जाम है तो 16 मार्क्स केमिस्ट्री है ना, तो अगर ये चैप्टर है ना तो दो लॉज है, एक डेल्टन है सिर्फ सब्जेक्टिव में। अदरवाइज हमने आपके लिए केमिकल फॉर्मूलाज ही डालने हैं, आपके लिए मोलर मास निकालने के लिए क्वेश्चन डालने हैं और आपके लिए मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन डालने हैं, दैट्स इट। उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। कमर कस लो जरा अपनी। नेक्स्ट राइट डाउन नाउ, जैसे कि वाटर है, नाउ इज मोलर मास, ठीक है। मोलर मास एक ब्रॉड टर्म है, इसकी छोटी टर्म आ जाती है, दैट इज मॉलिक्यूलर मास। मोलर मास हम एक एटॉमिक मास के लिए, एक मॉलिक्यूलर मास के लिए, दोनों के लिए यूज करते हैं। अब ध्यान से समझो, एक हाइड्रोजन आपको जब मैंने टेबल करवाया, जैसे हमने वाटर का मॉलिक्यूलर मास, वाटर एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, हाइड्रोजन एक एटम है, ऑक्सीजन एक एटम है, टेबल ध्यान से याद करके आना है कल। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आपने 1 किया, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आपने 16 किया, ठीक। अब आपसे पूछा गया है कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास लिखो, ठीक है। 1 हाइड्रोजन का मास कितना है, 1, 2 का कितना हो जाएगा, 2 × 1, प्लस 1 ऑक्सीजन का मास कितना है, 16, तो 1 ऑक्सीजन कितना हो गया बेटे, 16, तो टोटल कितना इस मॉलिक्यूल का मास हो गया, 18। समझ आई, एक हाइड्रोजन कितना मास है, 1, 1 ऑक्सीजन कितना है, 16, तो H2 है, तो 2 × 1 प्लस 16, दैट इज 18, एक ही टर्म होती है।